अरे मत, मेन रोड पर, मेन रोड भाई, सब कैसे है, कैसे है आप लोग, कैसा लग रहा है यहाँ का लोकेशन, कैसा लग रहा है हम लोग का गेटअप? जरूर बताइए। हमारे कैमरा में है सनी, तो बहुत दिन के बाद हमारे सेट पे आए हैं, आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, आप एक कहने पे मेरे आप आ गए हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल और हमारे सूट पे। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे चैनल पूजा प्रीति ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से शूट पे हैं अभी। तो मेरा मतलब लुक कैसा लग रहा है, देखिए फूलों का बगान। और हम लोग आज आए हैं डाल्टनगंज, मेरे यहाँ पे नानी का घर है, यहाँ पे हम वहीं डाल्टनगंज आए हुए हैं। बहुत सुंदर लोकेशन पे हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए हमारे साथ में सारे लोग हैं, ये देखिए सनी, सोनू, चंदन जी, ऋषि, बाकी आप लोग मिलाते हैं। हे गाइस, तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लोकेशन है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा ट्रिपल घोड़ा का यहाँ लोकेशन है। और ये है चंद्रा रिसोर्ट, हम देख सकते हैं रेस्टोरेंट, बहुत ही प्यारा लुक। तो यहाँ पर अभी शूट स्टार्ट है, हम देख सकते हैं हमारे कैमरामैन चंदन भैया है, मैं, ये सोनू भैया, ये ऋषि भैया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा और मुझे चाहिए। हाँ कौन, हाँ इससे बात करना है, ठीक है, हाँ सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। गाड़ी हटाना था मुझे यहाँ से, क्योंकि ट्रेन में आ रहा था, इसलिए हमने गाड़ी वहाँ रखा। आइए, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, अभी शूट स्टार्ट था, अभी दूसरा सेटअप लग रहा है, हम देख सकते हैं। रनिंग शॉट चल गया तो अच्छा लगेगा, कॉर्नर बना रहे हैं। हमारा ऋषि भैया है, साउंड अभी बजा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त मार रहे हैं। तो वीडियो बंद करो, शूट दिखा रहा हूं लोगों को, थोड़ा थोड़ा शूट दिखा रहा हूं। किसका आवाज आ रहा है? चलिए चलिए रेडी, हाँ यही चीज रहना है, काजी के ना जो फोन है ये फ्रेमिंग में है एक साइड से, हां बोलिए ना, दो कोई दिक्कत नहीं, आओ ना इधर ज्यादा मत करिए। बंद करिए वीडियो दोस्तों। और आज मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे जो हम मुझे आज आप लोग देखते हैं टूटा फूटा डांस जो भी मैं करता हूं, आज हमारे गुरुजी हमारे साथ आए हैं, सुजीत सर, स्वागत है सर हमारे चैनल में। ये हमारे गुरुजी हैं, आज जो भी मुझे देख रहे हैं आप डांस करते हुए, इन्हीं की बदौलत है सर, आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहूँगा, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा इससे दो रिलेशन है, पहला तो एक मेरा रिलेशन इसके मेरा भांजा है, उसके बाद ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट रह चुका था और जहाँ भी रहा नाम रोशन किया, आज इतना नाम आगे बढ़ा लिया है। और सबसे खुशखबरी की बात है कि जो बहू भी हमारी मिली, वो भी बहुत बड़ी कलाकार मिली, पूजा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, यही हमारी बहू है और बहुत होनहार बहू है। आज ऐसा समय पर हम लोग जुटे हुए हैं और इतने अच्छे जगह पे जुटे हुए हैं कि ये प्रीतम का बहुत ही बड़ा एहसान है कि कुछ है चाहे नहीं है, गुरु को नहीं भूला और जो गुरु को नहीं भूलता है वो पीछे नहीं मुड़ कर दे। अरे बच्चा लोग सुनो क्या बोल रहे हैं सर,
सुना सर का बात? एकदम सही बात। एक बार और चाहेंगे सर ये बात फिर से हमारे जो हमारे जो वहाँ के कोरियोग्राफर है हमारे ऋषि बाकी सब स्टूडेंट हैं उनके एक बार बता दीजिए सारे गुरु और स्टूडेंट के बारे में सर कुछ कहेंगे आप सुन लीजिए। मैं ऋषि से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए मेरे पास और ऋषि का जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ है ना वो बहुत ही उम्दा टैलेंट है इसके पास और मैं चाहूँगा ऋषि के पहले भी जो भी गुरु थे ऋषि को भी गुरु को ना भूलना चाहिए। गुरु और ऋषि का जो संबंध है और ऋषि के जो मतलब मैंने गुरु है वो उनसे भी उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ क्योंकि अपने स्टूडेंट को इस लाइक बनाया वो वाराणसी में रहते हैं और इनके जो ऋषि का जो स्टूडेंट है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने गुरु को ना भूले। गुरु से बड़ा कोई धरती पे नहीं हो सकता है, गुरु के बाद ही कोई होता है। तो आज हम लोग इस जगह पे आए हैं चंद्रा रेसिडेंस में शूट हो रहा है प्रीतम जी का और ये पूजा का और ऋषि का सारे ग्रुप में है। तो मैं चाहूँगा पलामू वासियों से कि कुछ नहीं कम से कम एक धन्यवाद तो देना चाहिए और शेयर जितना बने करना चाहिए। इसमें तो कुछ किसी को जाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जाता है कि मेरा पलामू का बंदा था। आज पूरे झारखंड बिहार मुंबई जैसे शहरों में अपना पहचान बनाया है और सबसे विशेष बात है कि वो जो खोरटा में जो है अभी ये अव्वल नंबर पे चल रहा जब है जब जब खोपा जब जब खोपा का जो आपने देखा होगा यही हीरो है और यही डांसर भी है और ये हीरोइन है मेरी पूजा ये मैंने मेरी पुतो है ना। तो वो तो रिश्ता से ही सब कुछ होता है लेकिन उससे ही बढ़कर रिश्ता है कलाकारी का। धन्यवाद। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आज मतलब हमारे गुरु जी का अगर एक टुकड़ा भी अगर मैं सीख लेता ना तो मैं और कहीं रहता लेकिन आज बस सर का आशीर्वाद है। खुश रहो कि बहुत प्यार मिला बहुत मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में प्यार करते थे तो वो मुझे जहाँ भी स्कूल में जाना हो कहीं भी सिखाना हो मुझे लेके जाते थे। बहुत मतलब भरोसा था इनका लेकिन जो भी हो हम यहाँ से चले गए किसी कारण से और सर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। हम एक टुकड़ा नहीं सीख पाए सर हमारे पलामू जिला के प्रभु देवा के नाम से जाने जाते हैं सुजीत सर। थैंक यू। हाँ और ये हमारे भाई बहन है यानी कि ये हमारे सर जी गुरु जी के लड़के हैं और ये लड़की हैं हमारे गुरु की मतलब बहुत ये लोग आगे बढ़े बहुत अच्छा डांस करता है लोग। प्लीज आप नाम बता दीजिए। माय नेम इज ईसा एंड माय ब्रदर नेम इज ऋतिक राज और हम लोग बहुत आज खुश है कि आज हम लोग को सामने से मौका मिल रहा है अपने भैया और भाभी का परफॉर्मेंस देखने के लिए शूटिंग देखने के लिए। वेरी मच थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू।